मोबाइल वीडियो बना रहा है, मोबाइल जब्त कीजिए, मोबाइल जब्त। अच्छा, जब अरे जब करिए, सब जगह अरे वीडियो बना रहा है, अरे कर लीजिए ना, हमको भी ले चलिए। नीतीश कुमार की पुलिस कभी शर्म नहीं करती है, बेशर्मी की सारी हदें तोड़ देती है। जब जब खाकी पर वार होता है, इसी तरीके से खाकी बदनाम होती है। आम लोगों के साथ खाकी का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होता है, यह बताने के लिए बिहार के डीजीपी हो या पुलिस के बड़े महकमे के अधिकारी हर बार यही दोहराते हैं कि पब्लिक पुलिस का जो रिश्ता है वो दोस्ताना होना चाहिए, लेकिन जब जब मौका मिलता है पुलिस इस दोस्ती को तोड़ती हुई दिखती है। यह देखिए बक्सर का वीडियो है। गुनाह वहां जितना था कि हेलमेट नहीं पहना था, शख्स को थाने ले जाकर बेरहमी से पिटाई कर रही थी पुलिस। रोकने गए शख्स को पुलिस ने मारा, कहा कि मोबाइल से वीडियो क्यों बना रहे हो। पुलिस को वीडियो बनाने से इतना एतराज था कि थाने में जबरन उस युवक की पिटाई की गई, मोबाइल जब्त करने की धमकी दी गई, खाकी का ध्वंस जमाया गया, नीतीश के इस सुशासन वाले पुलिस का चेहरा दिखाया गया। यह नीतीश के सुशासन की कलंकित पुलिस है जिसके ऊपर आए दिन आरोप लगता है, चाहे बात बक्सर हो या फिर सहरसा, हर जगह पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठता है। पुलिस से लोग मदद की उम्मीद में अब जाना छोड़ चुके हैं, पुलिस से लोगों को डर लगता है। जितना डर अपराधियों से आम लोगों को नहीं है, उससे ज्यादा डर तो इन वर्दी वाले गुंडों से आम लोगों को होने लगा है। अब यही डर है कि बक्सर की तस्वीरें आम लोगों के मन पर जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला तस्वीर है, उससे कई सवाल खड़ा कर रही है। हर कोई डर रहा है, जाए तो जाए कहां, फरियाद किससे लगाए। जब कोतवाल इस तरीके से बेशर्मी वाला हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है खाकी और खादी का जो गठबंधन है उस बीच आम लोगों का रिश्ता टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। आखिर पुलिस पर भरोसा कोई कैसे करे, किस उम्मीद से थाने में लोग अपनी आवेदन अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। पुलिस के इस कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगा। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या सड़क पे हेलमेट नहीं लगा के चलना पुलिस के लिए एक बड़ा हथियार हो जाता है, चलान के जगह पिटाई करने का अधिकार दे देता है। पुलिस की जिम्मेवारी लोगों की सुरक्षा करना है, ना कि उन्हें पीटना, उनके मन में खौफ पैदा करना है। ये तस्वीरें बक्सर की है, तस्वीरें वायरल हो रही है, फर्स्ट बिहार झारखंड इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से यह तस्वीरें निकल के सामने आई है, एक बार फिर से खाकी और बक्सर पुलिस के जो चेहरे पर जो कलंक लगा है वो दिखा रहा है पुलिस का वो रवैया। पुलिस के जुल्म की एक कहानी कहते हुए तस्वीर है जिसमें दिखा रहा है कि खाकी के नशे में किस तरीके से वर्दी वाले गुंडे सरेआम सबके सामने ध्वंस जमाते हैं आम लोगों की पिटाई। मोबाइल वीडियो बना रहा है, मोबाइल जब्त कीजिए, मोबाइल जब्त। अच्छा, जब अरे जब्त करिए, सब जगह वीडियो बना रहा, अरे कर लीजिए ना, हमको भी ले चलिए। ना ना भैया, आई ना रहा, कुछ नहीं, रुकी 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 रुकी। कुछ नहीं, आप यहाँ पर हम जमौड़ा बता रहे हैं, और हम हाथ छोड़े हैं। नहीं नहीं, आपने किसको मारा है? बोला था नहीं, बोलते फोन मैं के फोन लगाओ, मैं के फोन लगाओ, हाथ मैं के जल्दी मैसेज कर, ग्रुप में मैसेज कर, मैं हाथ कैसे उठा देगा। हम बात हमने के आप रहुआ खुद कहने जाके बताया कि हमके बात कर लिया, केस तो भाई जेल भेजिए ना, नहीं दिखा रहा है, अभी भी हम नहीं दिखा रहे, क्या है वो, क्या नहीं नहीं आओ हमारे बात माना होना चाहिए, चलो चाहे कितने अधिकारियों के लग सब। अच्छा, 13 सालों से हम शहर को जानते हैं, 18 साल 27 साल हमको यहाँ पर हो गया, लोग हाथ उठाए, बताइए हम अच्छा से बात कर रहे हैं कि आपका क्या हुआ। अच्छा ठीक है, छोड़ ना, ये सब छोड़, ये गलत मत। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे,
पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।